नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली सारी वीडियो देखी हैं तो आज आप लोगों को मेरे चार्ट पर लगी हुई लाइनों की पावर नज़र आ रही होगी। साथ में आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट के बारे में भी समझा होगा। मैं आप लोगों को हमेशा कहता था कि मार्केट अपने टॉप पर है, आप लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट 5 या 10% से ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को किसी भी स्टॉक का टारगेट नहीं देता था, केवल ये कहता था कि 10 या 15% आपको जब भी मिले आप 50% बुक कर लीजिए, बाकी 50% कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल लगा दीजिए और 20 EMA के साथ राइड कीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को कहाँ पर एवरेज करना है और कहाँ पर एग्जिट करना है ये दो रेट ज़रूर बताता था। तो अगर आप लोगों ने उस हिसाब से बाय करा होगा, एवरेज करा होगा, तो लगातार गिरावट के बाद भी आज आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे या फिर छोटे मोटे लॉस में चल रहे होंगे, और अगर मार्केट ने कल साथ दिया तो आप लोग प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। दोस्तों, मार्केट में गिरावट में घबराना नहीं होता है, बस आप लोगों को ये बातें समझनी है कि हमें स्टॉक को कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर एवरेज करना है और मनी मैनेजमेंट के बारे में समझना है। किसी भी स्टॉक में 5 या 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए जब मार्केट अपने हाई पर है, और अपना 50% कैपिटल हमेशा रिजर्व रखिए अपने पास। इस हिसाब से दोस्तों आप लोगों का विकेट बचा रहेगा और आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, एक बेहतर प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब मैं अपना ये ज्ञान ख़त्म करता हूँ और अब हम आते हैं अपने पोजिशन स्टॉक के ऊपर। पोजिशन स्टॉक की सीरीज़ में दोस्तों मैं एक नया स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है जॉइंडर कैपिटल। इस स्टॉक को आप लोगों को करंट रेट पर बाय करना है जो कि 26 चल रहा है, 21 पर आप लोगों को एवरेज करना है, और 19.50 रुपये के नीचे अगर 2 दिन कंसोलिडेट करता है तो आप लोगों को इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना है। दोस्तों, ये वीडियो केवल मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रखी है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ज़रूर ले लें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।